अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर मुनीर आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्मे आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 18 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 20,000 डॉलर के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चाहूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये 20,200 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा था और तब हम लोग जो सर इसका सपोर्ट लेवल देख रहे थे वो देख रहे 20,000 डॉलर के ऊपर। इसका जो सर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे वो देख रहे थे 20,400 डॉलर से लेके 20,500 डॉलर का लेवल। और उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन अपना जो सर सपोर्ट लेवल है 20,000 डॉलर का सपोर्ट लेवल बिटकॉइन इसको तोड़ेगा और उसकी वैल्यू हम लोगों को नीचे जाते हुए नजर आएगी। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो 19,400 डॉलर से लेकर 19,500 डॉलर का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा था यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, वही लेवल फिर से काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए और हम लोग बिटकॉइन को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, 20,000 डॉलर का सपोर्ट लेवल टूटा और बिटकॉइन की वैल्यू अगले 2 दिन के अंदर नीचे 19,400 डॉलर के लेवल तक गई और वहीं से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो मेजर जो सी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रही होंगी। तो अब अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं बिटकॉइन का, तो अब आप लोगों ने नजर रखनी है बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके ऊपर के वो वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है। अगर तो वो वाली कैंडल 20,000 डॉलर से अब बंद होती है जिसके चांसेस हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से अबव जाएगी, फिर से बिटकॉइन का जो सारा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो 20,400 डॉलर से लेके 20,500 डॉलर का लेवल बनेगा। और अगर वो वाली कैंडल 20,000 डॉलर से नीचे बंद होती है तो फिर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल बनेंगे, शॉर्ट सपोर्ट लेवल 19,900 डॉलर के ऊपर है और मेजर सपोर्ट लेवल वही 19,500 डॉलर से लेके 19,400 डॉलर का लेवल होगा। तो अगेन अब आप लोगों ने कैंडल के ऊपर अपनी नजर रखनी है, वो वाली कैंडल जिस लेवल के ऊपर बंद होगी उसके बाद हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या ऊपर जाएगी या बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को दोबारा से नीचे जाते हुए नजर आएगी आज ही के दिन के अंदर। और इसके अलावा मेजर जो डंप देखेंगे हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर, मतलब कि मेजर जो रेड रन दिखाएगा हम लोगों को बिटकॉइन की वैल्यू, वो हम लोग देखेंगे तकरीबन 21 सितंबर को। प्रीवियसली हम लोग आप लोगों को गाइड करते रहे हैं कि 21 सितंबर को FOMC की मीटिंग होनी है US के अंदर, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो सी हाइक बतानी है अपनी वो बताएंगे। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे 21 सितंबर को तब हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे आता हुआ देखेंगे और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को एक बार दोबारा से 19,000 डॉलर से नीचे भी नजर आ सकती है। तो सो फार जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने आज के दिन में अपने फंड्स को कैसे हैंडल करना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से, और फर्दर लॉन्ग टर्म के अंदर भी आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के अंदर अपने फंड्स को कैसे हैंडल करना है बिटकॉइन की ट्रेडिंग के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और क्योंकि आज मेजर न्यूज वगैरह नहीं थी, तो अब मेजर बात करते हैं यहाँ पे कार्डानो की वासिल हार्ड फोर्क के ऊपर कि कार्डानो की वासिल हार्ड फोर्क अपडेट कब लाइव होगी। तो उसके ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं तो कार्डानो की वासिल हार्ड फोर्क को ट्रिगर होने के लिए, मतलब कि उसको लाइव होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 75% ऑफ द मेन नेट ब्लॉक्स जो उनसे हैं वो बनने चाहिए। उनका जो सा नया नोड है 1.35.3 जिसके बारे में आपको गाइड करता रहा हूँ उसके ऊपर बनने चाहिए हैं। इसके अलावा 25 जो सी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब कि वो वाली सेंट्रलाइज एक्सचेंज के जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा हुआ है कार्डानो टोकन का, तो उनको अपडेट होना चाहिए है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर। और उसके अलावा 10 डेप्स जो सी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो कि बनी हुई है कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर, उन लोगों को भी अपने आप को लेटेस्ट जो सा वर्जन है 1.35.3 उसके ऊपर अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मतलब कि जब 10 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अपने आप को 1.35.3 वर्जन के ऊपर अपडेट कर लेंगी, उसके बाद जब 25 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अपने आप को लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट कर लेंगी, और जब 75% ऑफ द मेन नेट ब्लॉक्स जो से हैं वो 1.35.3 नोड के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे, तब जो सी ये वासिल हार्ड फोर्क की अपडेट है ये लाइव हो जाएगी। तो इसकी डेट है 22nd of September और तब तक जो सी IOH कंपनी है उन्होंने ये बताया हुआ कि ये सारी जो सी चीजें हैं ये तब तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत अपडेट आई है जो कि आप लोगों को देना जरूरी है। तो अपडेट ये है कि 75% ऑफ द मेनेट ब्लॉकचेन जो से उन्होंने बनाने थे 1.35.3 के ऊपर, उसमें से 98% गालबन ये 70 से 71% बनते हैं ब्लॉक्स, वो अब बन चुके हैं 1.35.3 के ऊपर और वो बहुत जल्द जो से अपना टारगेट है 75% का उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लिहाज से तो ओके है कार्डानो की अपडेट।
दूसरी जो सी अपडेट है उसके अपडेट के बारे में उन्होंने बताया वह कि टोटल जो सी 25 एक्सचेंजेस हैं उसमें से 21 जो सी एक्सचेंजेस है वो रेडी हैं। उन्होंने अपने आप को लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट कर लिया हुआ है, लेकिन चार जो सी एक्सचेंजेस है कि जिसके ऊपर यहाँ पे आ रही है कोइन बेस, XT.com, हिटबिट और उसके साथ साथ ZB.com, ये वो एक्सचेंजेस है कि जिन्होंने अभी तक अपने आप को लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट नहीं किया है। और उसके साथ साथ बाकी की जो सी एक्सचेंजेस हैं कि जिसके ऊपर है क्राकेन, क्रिप्टो.com, कुकॉइन और हुबई, इन्होंने भी अपने आप को लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट नहीं किया है। तो क्योंकि वासिल हार्डफोर्क अपडेट जो सी है वो लाइव होनी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉइन बेस, XT.com, हिटबिट और ZB.com ये वाली एक्सचेंजेस अपने आप को लाजमी तौर पे लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट करें। और इसके अलावा अगर लास्टली बात की जाए जो सी 10 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है, तो IOH कंपनी ने तकरीबन 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स मतलब कि 12 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को पॉइंट आउट किया है कि जिसमें से 6 ने अपने आप को अपडेट कर लिया है, लेकिन 6 ने अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं किया है। और वो कौन सी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है उसमें शामिल है मिन स्वैप, संडे स्वैप, मुसेली स्वैप, एडेक्स और उसके साथ साथ वीवाई फाइनेंस और लास्टली मेल्ड। ये वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है कि जिन्होंने अभी तक अपने आप को 1.35.3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर अपडेट नहीं किया है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो अभी भी जो कार्डानो ब्लॉकचेन है या IOH कंपनी है वो काफी ज्यादा ऐसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और चंद ऐसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर रिलाई कर रही है कि वो अपने आप को अपडेट करें। और जब तक वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी तब तक कार्डानो की ये जो सी वासिल हार्डफोर्क की अपडेट है ये लाइव नहीं हो सकती है। तो जो भी अपडेट आती है इसके ऊपर वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, लेकिन जब तक कि ये अपने आप को अपडेट नहीं कर रही है तब तक चांसेस है कि हम लोग एक दफा दोबारा से 22 सितंबर की जो सी डेट है उसको एक दफा दोबारा से आगे जाता हुआ देखें। इस दफा बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी, चंद दिन आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आगे जाता है तो ये अच्छा साइन नहीं होगा कार्डानो की प्राइस के ऊपर, क्योंकि कार्डानो की प्राइस प्रीवियसली हम लोगों को एक काफी अच्छा रन दिखा रही है। तो अब इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो कार्डानो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है 0.48 डॉलर के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अपना जो ये रेजिस्टेंस है वाला 0.49 डॉलर, तकरीबन उसी को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करते हुए इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूँ तो सो फार ये तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अब ट्रेड हो रहा है, लेकिन इस वक्त 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन सबसे नीचे है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन सबसे ऊपर है। अगर कार्डानो की वैल्यू यहाँ पे नीचे भी आती है तो हम लोग देखेंगे कि तकरीबन 0.484 डॉलर से लेकर 0.478 डॉलर तक का जो ये लेवल बनता है, ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल की लाइन भी आ रही है और इसके अलावा इसकी चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन सो फार इसी लेवल के दरमियान में आ रही है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और इस लेवल से हम लोग इसकी वैल्यू को अगले चंद दिनों तक मतलब कि 21 सितंबर तक हम लोग इसकी वैल्यू को ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं और चांसेस है कि हम लोग इसकी वैल्यू को एक बार दोबारा से 0.5 डॉलर के लेवल तक देखें। अगर ये अपना जो सारा रेजिस्टेंस लेवल है 0.49 डॉलर इसको तोड़ता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू को 0.5 डॉलर के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो सो फार शॉर्ट रेट के लिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 0.484 डॉलर के ऊपर और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.494 डॉलर के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट बनेंगे कार्डानो के ऊपर वो बनेगा 0.484, 0.478 और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 0.473 डॉलर के ऊपर। और आप लोगों के जो से टारगेट्स हो जाएंगे एग्जिट टारगेट्स वो हो जाएंगे 0.49 और 0.5 डॉलर के ऊपर। तो कार्डानो की जो ये वासिल हार्ड फोर्क है उसका जो सा मेन टारगेट है हमारा वो 0.5 डॉलर है और उसके बाद हम लोग जैसे हम लोगों ने इथेरियम के ऊपर एक काफी ज्यादा सेल ऑर्डर देखा है, काफी ज्यादा उसकी वैल्यू नीचे गई है, वैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू इसकी ये वासिल हार्ड फोर्क को लाइव होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं और कार्डानो की वैल्यू हम लोग को काफी ज्यादा रेड रन दिखा सकती है। तो 21 सितंबर तक हमारा टारगेट है, 21 सितंबर के ऊपर जहां पर भी कार्डानो की वैल्यू होगी आप लोगों ने अपने आप को उस लेवल के ऊपर सेल आउट करके अपने आप को आउट कर देना है, क्योंकि 21 सितंबर को FOMC की मीटिंग के बाद हम लोग तमाम क्रिप्टो करेंसीज को काफी अग्रेसिव रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो होपफुली अब आप लोगों का आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को अर्न करना है कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते हैं यहाँ पे एक कॉइन टोकन के ऊपर के जिसकी वैल्यू ने पिछले दिनों के अंदर पिछले 7 दिनों के अंदर काफी अच्छा रन दिखाया है और इसकी वैल्यू तकरीबन 4.3% अबव गई है। तो इसकी रीजंस क्या है, वो रीजन सबसे पहले अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ
तो पिछले दिनों एक इवेंट हुआ था एक पॉइंट टोकन का, कि जहाँ पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन जो सी वो दी थी, और उन रिकमेंडेशन को उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। तो सबसे पहले जो सी रिकमेंडेशन थी वो था उनका डीएओ सिस्टम, मतलब के डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनका इलेक्शन प्रोसीजर, मतलब के जो भी लोग बोर्ड ए बियाज क्लब एनएफटी को होल्ड कर रहे हैं वो किस तरह से इस इलेक्शन वगैरह के अंदर पार्टिसिपेशन वगैरह कर सकते हैं, वो तरीका उन्होंने बताया और वो तरीका उन्होंने फाइनल किया। उसके अलावा दूसरी जो सी अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, कि दूसरी अपडेट्स ये आ रही हैं कि जो सी बोर्ड एप याच क्लब की कंपनी है वो कंपनी अब अपनी कम्युनिटी को काफी ज्यादा गाइड करेगी। अगर उनकी जो सी कम्युनिटी है वो लोग जो के बोर्ड एप याच क्लब को होल्ड करके रख रहे हैं उनके एनएफटीज को, उन तक अपना नॉलेज और अपनी जो सी एक्सपर्टीज है उनको ट्रांसफर करेंगी। अगर उन लोगों को हेल्प चाहिए कि वो लोग अपना कोई नया प्रोजेक्ट एनएफटी का प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहें, तो बोर्ड एप याच क्लब का जो सा कंपनी है वो उनके हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, और ये एक ऐसा साइन था कि जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी ज्यादा हाइप देखी एक पॉइंट टोकन के ऊपर। उसके अलावा दूसरी जो सी चीज उन्होंने कंफर्म की है वो, क्योंकि उनकी जो सी कम्युनिटी थी, मतलब कि वो लोग जो कि बॉडी भी आज क्लब की एनर्जी को होल्ड करके रख रहे हैं, उन्होंने ये गाइड किया था कि उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट की जो सी प्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए उन कंपनीज के ऊपर रिलाई करना चाहिए जो कि क्रिप्टो बैक्ड नहीं है। तो इसीलिए ये चीज भी उनकी जो सी कंपनी है बॉडी व्याज की कंपनी, उन्होंने इस बात को अप्रूव किया है कि अब वो अपनी क्लब की रिप्रेजेंटेशन के लिए उन कंपनीज की तरफ जाएंगी जो कि क्रिप्टो बैक नहीं होगी। तो अपनी कम्युनिटी की बात उन्होंने मानी है, और इस वजह से कम्युनिटी की तरफ से भी हम लोगों ने काफी जबरदस्त किस्म का पंप देखा है एक पॉइंट टोकन के ऊपर। तो ये कुछ रीजंस थी, इसके लिए मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि एक पॉइंट टोकन का जो सा ट्विटर अकाउंट है आप लोग लाजमी तौर पे इसको फॉलो करें। जो भी अपडेट्स वगैरह हुआ करेंगी वो आप लोगों को डायरेक्टली उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी मिल जाएंगे, तो उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक पॉइंट टोकन जो है वो आप लोगों को किस तरह से रन दिखा सकता है। तो अगेन ये सारी की सारी जो सी डेवलपमेंट्स हैं ये उनके ट्विटर के ऊपर शेयर की गई थी, और ये कुछ रीजन थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने बोर्ड एप याच क्लब को एक काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखाता हुआ देखा है। तब इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग ये देख रहे हैं कि ये ट्रेड हुआ था 5.5 डॉलर्स के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है 5.7 डॉलर्स के ऊपर, और उसके बाद उसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा सबसे पहले शोर रेजिस्टेंस लेवल 5.89 डॉलर्स के ऊपर बनेगा, और उसके बाद उसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा 6 डॉलर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इसके एक प्रीवियसली भी सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और उसके बाद 6 डॉलर्स का लेवल साइकोलॉजिकली भी काफी हैवी रेजिस्टेंस लेवल बनेगा एक पॉइंट टोकन का, और उसके बाद उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन 6.4 और 6.88 डॉलर्स के ऊपर। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद सबसे पहले तमाम एक्सेलरेशन मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो ये तमाम एक्सेलरेशन मूविंग एवरेज की लाइन से 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर काफी ज्यादा बर्फ ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 200 एक्सेलरेशन मूविंग एवरेज की लाइन सबसे अबव है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम आज ही के दिन में नहीं तो कल के दिन के अंदर हम लोग देखेंगे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अबव आ जाएगी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से, और जैसे ये अबव आएगी तब हम लोग एक काफी अच्छा रन जो है वो दोबारा से देखेंगे एक पॉइंट टोकन के ऊपर। और इसके अलावा एक पॉइंट टोकन के ऊपर अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखें तो तकरीबन इस लेवल के ऊपर ये एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, तो अगर तो अपना जो सा ये सपोर्ट लेवल है 5.3 डॉलर्स का सपोर्ट लेवल, अगर ये इसको होल्ड करके रखता है अगले चंद दिनों तक तो हम लोग देखेंगे कि काफी अच्छा ग्रीन रन जो है वो दोबारा से आएगा यहाँ पे एक पॉइंट टोकन के ऊपर। और एक पॉइंट टोकन की वैल्यू कितना अबव जा सकती है वो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट टोकन की वैल्यू जा सकती है अबव 6.6 डॉलर्स के लेवल तक, मतलब कि इसका जो सा 6.4 से 7 डॉलर्स का हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लेवल लगाया हुआ है, तकरीबन वहां तक इसकी वैल्यू के जाने के चांसेस अभी भी हैं। तो अगर तो एकदम मार्केट क्रैश नहीं करती है, तो जैसा कि इसके बारे में मैंने आपको कह दिया कि 21 तारीख तक ये मार्केट क्रैश करेगी, तो 21 तारीख तक इसकी वैल्यू हम लोग को मैक्सिमम तकरीबन 6 डॉलर्स के लेवल तक भी नजर आ सकती है। तो 6 डॉलर्स के लेवल तक भी आप लोग इसको सेल आउट करके अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं एक पॉइंट टोकन के ऊपर से। इसके अलावा एक पॉइंट टोकन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को फिब रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो एक्जैक्टली 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 0.618 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है, और करंट जो इसका सपोर्ट लेवल है वो आ रहा है एक्जैक्टली 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर। तो एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है ये वाला, और हम लोग देखेंगे तकरीबन 5.3 डॉलर्स का जो सा इसका लेवल है इसी लेवल से इसकी वैल्यू डेफिनेटली तौर पर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। तब अगर आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा एक पॉइंट टोकन के ऊपर वो बनेगा 5.33 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5.66 डॉलर्स के ऊपर।
इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स ज्यादा चुनू तो आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन 5.4 और $5.3 के ऊपर, और अगर समहाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $5.1 के ऊपर, और आप लोगों के जो सेक्सी टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5.6, 5.8 और उसके बाद तकरीबन $6 के ऊपर, और उसके बाद आप लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करके बाहर आ जाएंगे 1 पॉइंट टोकन के ऊपर से। तो ये थी मेजर अपडेट आज के लिए, और मेजर अपडेट जो थी आज आप लोगों को देनी थी वो देने की कार्डानो की वासिल हार्ड फोक से मुतालिक। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है आज के दिन में और फर्दर नेक्स्ट दिनों के अंदर। तो कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।